हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड है, और हम एंशिएंट हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और बायोलॉजी को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है। एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 25 क्वेश्चन उसमें से हमने किए थे। देखो, एक एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करने या 20 क्वेश्चन करने का मेन मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डिस्कस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे सके, ताकि कोई ऐसा नहीं है कि हम ABCD करना है तो 1 घंटे में तो सारा 200 क्वेश्चन हो जाए, क्लियर। लेकिन हमें बहुत सारे फैक्ट को क्लियर करना है। इसलिए सेम इसी तरह राकेश यादव सर, में एंशियंट हिस्ट्री हो चुका है हमारा, पॉलिटी हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, क्लियर। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर लेना, 9582062485। अगर प्रॉब्लम होगा कोई भी तो भी बताना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आगे हम 25 से आगे डिस्कस कर रहे हैं, 26 से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज। ध्यान देना, गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज से परेशान होके, क्लाइमेट चेंज से परेशान होके गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नेशनल एक्शन प्लान, इसका मतलब था गवर्नमेंट हर एक सेक्टर, जब गवर्नमेंट को जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर लगता है उस फील्ड में काम करना है, तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया 2008 में। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्री में तो क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है, क्लियर। तो हमें थोड़ा बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लॉन्च किया गया 2008 में, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के द्वारा। इसका मेन एम क्या था कि अवेयरनेस जनरेट करना पब्लिक के थ्रू, और डिफरेंट जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट का, साइंटिस्ट, इन सब के थ्रू बहुत सारा अवेयरनेस जनरेट करना और जो भी स्टेप लेना है वो लेना। तो टोटल 8 मिशन है इसके अंदर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन 8, कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मिशन नहीं है, तो इसमें से 3 मिशन ए दिया होगा और एक कोई चौथा मिशन दे देगा कि नल जल स्कीम जो है, क्या इस मिशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि इसमें से एक है वाटर से रिलेटेड, नेशनल वाटर मिशन पार्ट है, लेकिन ये नल से जल अलग है ना, ठीक है ना। तो टोटल 8 मिशन है इसके अंदर। नेशनल सोलर मिशन, इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, घर बनाओ जो सस्टेनेबल होना चाहिए, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन है, क्लियर। 8 मिशन में आप देखो सोलर मिशन पे काम करो, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज जो हमारा खराब हो रहा है वो थोड़ा बचेगा, जो हमारा क्लाइमेट खराब हो रहा है थोड़ा बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द एवव स्प्रेड प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज इनमें से कौन कौन स्प्रेड कर सकता है। सिंपल, एक प्लांट में कोई डिजीज लग गई तो इसमें से जो भी फंगस वगैरह या जो भी लग गए, तो यहाँ से बर्ड लेके क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। इवन डस्ट यहाँ से यहाँ ब्लो होता है जिसके कारण दूसरे प्लांट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। रेन के कारण भी होता है, विंड ब्लोइंग, रेन के कारण, मान लो सिंपल है, एक के पत्ती में या एक के जड़ में कोई रूट में कोई रोग लगा हुआ है, क्लियर। यहाँ से पानी से बह के ये पानी बह के चले जाएंगे किसी और के जड़ के पास, रूट के पास, तो भाई इसको भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये UPSC के एग्जाम में पूछा हुआ है, UPPCS के एग्जाम में पूछा हुआ, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्लियर। Which is the most stable ecosystem? Most stable ecosystem. Stability का मतलब है ऐसे जल्दी वो खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉरेस्ट आपका एक छोटा सा है भाई, इतना फॉरेस्ट फायर होता रहता है, तो इतना फॉरेस्ट, इतना बहुत सारा फॉरेस्ट, इतना वनरेबल है, तो आप कैसे उसको स्टेबल इकोसिस्टम बोल सकते हो। नहीं भाई, स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब है कि थोड़ा बहुत से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इवन डेजर्ट को भी आप स्टेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि डेजर्ट को आप रीस्टोर भी कर सकते हो,
भाई बहुत कोशिश करना पर, लेकिन रीस्टोरेशन हो सकता है डेजर्ट का थोड़ा बहुत। इवन माउंटेन भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि माउंटेन आपको पता है फोल्ड माउंटेन, ये इसका हमेशा साइज बढ़ता रहता है, क्लियर। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये भी नहीं है, स्टेबिलिटी में ओशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर। ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, कुछ भी हो जाए ये रहेगा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है एनजीटी, तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा हुआ था, ठीक है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 29 नंबर क्वेश्चन का, कि एनजीटी को एस्टाब्लिश किया था गया था एक एक्ट के द्वारा, तो चलो एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू, तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी हुआ, क्लियर। एनजीटी एक स्टैचुटरी बॉडी हुआ, ठीक है। और एनजीटी का मेन काम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मेन काम क्या है, कि बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस जो पेंडिंग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसको जल्दी से सॉल्व किया जा सके, ताकि मतलब देखो प्रोजेक्ट भी डिले ना हो, और अगर उसका जैसे मान लो उस प्रोजेक्ट पे काम होने ही नहीं वाला है, तो जल्दी से केस तो सॉल्व हो जाएगा ना, कि भाई नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, क्लियर है ना। तो एक स्टैचुटरी बॉडी है, इवन सीपीसीबी भी एक स्टैचुटरी बॉडी है, ये भी एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। सीपीसीबी भी एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, किस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 प्लीज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के अंदर बनाया गया, वाटर पॉल्यूशन, ध्यान देना, वाटर एक्ट 1974। बाद में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर वाला काम भी दे दिया गया, कि भाई ले लो ये भी काम तुम करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या किया, इसको बनाया कैसे गया, वाटर एक्ट के थ्रू 1974 में। लेकिन बाद में जो एयर रिलेटेड जो काम है, ये भी काम इसको दे दिया गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दोनों एक स्टैचुटरी बॉडी है, तो ये ऑप्शन गलत, तो ये गलत, तो ये दोनों गलत। अब देखते हैं बी और डी में से कौन करेक्ट है। एनजीटी प्रोवाइड इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमोट करता है क्लीनलीनेस को ऑफ स्ट्रीम एंड वेल, इम्प्रूव द क्वालिटी, मैंने बताया था ना। सीपीसीबी जो स्टार्टिंग में पावर मिला था वाटर एक्ट के थ्रू, और बाद में एयर वाला पावर भी मिल गया था, तो यहाँ पे वही तो लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है भाई, कि ये प्रमोट करता है कि भाई क्लीन हो हमारा स्ट्रीम या वेल, सब क्लीन हो। और इसका मेन एम होता है देखो वाटर को भी सुधारने का और एयर को, और इन दोनों को सुधारेगा तो फाइनली इन्वायरमेंट भी सुधरेगा, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर इसमें आपको ये पता होता, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, मतलब ये अगर नहीं भी पता है तो देखो ऐसे स्टेटमेंट बना के कोई गलत नहीं करवा सकता, आपको गलत यहीं पर होना है, कि एक एक्ट के थ्रू बनना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना, यहीं पे क्वेश्चन वो उलट पुलट करते हैं, दोनों एक स्टैचुटरी बॉडी है, दोनों एक्ट के थ्रू बने हैं, ठीक है। एनजीटी के बारे में एक और चीज बताता हूँ, इंडिया सिर्फ तीसरा कंट्री बना था जो एनवायरमेंट के लिए एक स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल बनाया था, ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है ना, और पहली डेवलपिंग कंट्री थी जो इसने ये किया था। और एनजीटी का मैंडेट होता है कि हम फाइनली मतलब जो पूरा कंप्लीट कर ले 6 मंथ के अंदर। एनजीटी 5 प्लेस पे उसकी सिटिंग होती है, न्यू दिल्ली पे उसकी प्रिंसिपल सिटिंग है, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बागीदर, याद नहीं करना है, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर कहाँ से मिला है, कंस्टिट्यूट किया गया है वाटर एक्ट के थ्रू, बाद में इसको पावर और फंक्शन मिला है एयर वाले एक्ट, एयर जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देख लो ये सी दोनों स्टेटमेंट से आपको स्टेटमेंट बनाया ना, इन दोनों से, क्लियर। और ये क्या करता है, सर्व एज ए फील्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन हो देख लिया आपने, वाटर एक्ट और एयर एक्ट है, ये ही डायरेक्ट भाई एज इट इज, ध्यान देना, ये इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सीपीसीबी के वेबसाइट पे डायरेक्ट ये 2 लाइन लिखा हुआ है, यही 2 लाइन तो उठा के नहीं यूपीएससी डाल दिया था,
है यही दो लाइन है ना जो इसने यूपीएससी उठा के रख दिया था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है उनके वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करेंट अफेयर्स था, बिल्कुल करेंट अफेयर्स है। रिसेंटली देयर वॉज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। क्लियर, ये अभी ध्यान नहीं देने की जरूरत है, ये बिल्कुल करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका इसका साइंटिफिक नाम भी नहीं देना है, ये एक सस्टेनेबल सोर्स है किसका, टेक्सटाइल फाइबर का। यहाँ पे देख सकते हो ये उस समय डाउन टू अर्थ में न्यूज आया था, ये जिस साल पूछा गया था ना उसके पिछले साल न्यूज में था। वैसे जो एक एरिया है उसमें एक रेसिडेंट्स रहते हैं खार टाइप के, खार उनको बोला जाता है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया कि इसमें नेटल के प्रोडक्शन के चैन में, यही बात इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह का दिखता है प्लांट, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ऑप्शन हम पढ़ के देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए पहले इन नीचे से पढ़ते हैं, एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। नहीं, एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग और अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट इंक्रीज कौन। भाई अब खुद सोचो, हम CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे एटमोसफेयर में, उससे क्या होगा, उससे ऐसा थोड़ी होगा कि एडप्ट कर लेंगे सारे लिविंग बींग, मतलब ये थोड़ा सा फालतू तो ऑप्शन है। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, मतलब ये ओशन की डायरेक्ट तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, नहीं ये भी देखो ये बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपको नहीं लगता कुछ फर्टिलाइज करने की बात करिए, तो आपको ये ऑप्शन पढ़ोगे इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, फर्टिलाइजर तो यही करता है ना, ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। देखो तो आप बोलोगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमने हमने नुकसान सुना है सिर्फ, हाँ चलो कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान होता है, हमारा ग्रीन हाउस गैस बढ़ा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ा तो इससे होता क्या है, हमारा जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर का वो काफ़ी जीते इंक्रीज हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे प्लांट को तो फायदा होता है ना, क्यों भाई उसको CO2 लेना है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको तो फायदा हुआ ना। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैस का हमें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, हमें प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, क्लियर। लेकिन कार्बन लेकिन प्लांट को तो फायदा होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फर्टिलाइजेशन करते भाई खाना बनाते हैं, तो कार्बन फर्टिलाइजेशन को कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है एटमोसफेयर में, और जितना इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर ये भी मैं थोड़ा सा मानता हूँ ये आसान, मतलब उतना भी टफ नहीं है ये वाला, क्योंकि ये वाला पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, क्लियर। लेकिन ये वाला आप कर सकते थे, कार्बन फर्टिलाइजेशन, क्लियर। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डेटा यूज। किस चीज के मेजरमेंट के लिए हमें रिमोट सेंसिंग का डेटा और सैटेलाइट इमेज यूज किया जाता है, ये हमें बताना है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको मान के चलना है कि ये हर जगह यूज हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा ऑप्शन लगता है बिल्कुल बेकार सा कि नहीं यहाँ तो यूज हो ही नहीं सकता, तो ही आप लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे केस में अगर बिल्कुल नहीं पता हो बिल्कुल तो आप मान के चलना हर जगह। जैसे वेजिटेशन में क्लोरोफिल कॉन्टेंट स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलता है, हम मान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कितना होता है राइस पैडीज में, पर्टिकुलर लोकेशन में, लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो लैंड सरफेस टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैस किसी पर्टिकुलर जगह पे, क्लोरोफिन कंटेंट कितना है वेजिटेबल में, ये सब पता चल जाता है, तो डी करेक्ट आंसर, ठीक है। की स्टोन स्पेसीज क्या होता है, की स्टोन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्पेसीज होता है, भले ही उनका नंबर कम हो,
लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट होता है ना, नंबर भले ही कम हो, नंबर कम हो, इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे ही वो इन्वायरमेंट से गया, सिंपल वो फूड चेन से गया, फूड चेन से गया, तो फूड चेन कोलैप्स हो गया। एग्जाम्पल है टाइगर वगैरह सब, क्लियर है? तो यही बात मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ एक एक करके, फिर आप अपने आप बता दोगे। एक कॉमन स्पेसीज इन ए कम्युनिटी डेट कंट्रीब्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास। नहीं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास नहीं, क्योंकि आपको कीस्टोन कुछ ही रहता है। एन एंडेमिक स्पेसीज डेट कंट्रीब्यूट लो प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में, तो नहीं, ये तो एंडेमिक वाला होगा। स्पेसीज प्रेजेंट इन लो अबंडेंस बट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑब्वियसली मैंने जैसे ही ये हटाया तो आपका कीस्टोन स्पेसीज को हटाया तो आपका पूरा फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा। समझ में ना, डोमिनेंट स्पेसीज की तो बात ही नहीं कर रहे। समझ में ना, डोमिनेंट स्पेसीज के नाम पे पूरा वेजिटेशन का नाम पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन आप सिंपल सी ऑप्शन लगा सकते हो ना, कि उनका नंबर भले ही कम है, कीस्टोन स्पेसीज का भले ही नंबर कम है, लेकिन 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 उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो अगर ख़त्म तो पूरे इन्वायरमेंट पे, पूरे फूड चैन पे, फूड साइकिल पे कोलैप्स हो सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपको किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी बढ़ेगी? साइक्लोन, मतलब ऐसे कभी हो सकता है कि भाई साइक्लोन सिर्फ साइक्लोन का होगा, फ्लड का नहीं होगा? मतलब बताओ। और साइक्लोन का जब होगा तो साइक्लोन का ही तो अलग एक नाम है, हरिकेन्स, विली विली, टाइफून, तो ये सब तो साइक्लोन का ही नाम है। जब ये होगा तो इसके, इसने क्या गलती किया, इसका क्यों नहीं होगा? और जब ये दोनों सी वाला हो रहा है तो सी स्टॉर्म भी तो सी ही में आते हैं, ये क्यों नहीं होगा? मतलब ये आप आराम से लगा सकते हो, बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन है। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन डी हुआ। अब खुद सोचो ना, बाकी आप अगर बोलोगे भैया हम साइक्लोन लगा देंगे, इसको क्यों नहीं लगाओगे, इसको क्यों नहीं लगाओगे? साइक्लोन ही तो हरिकेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? ये कीस्टोन स्पीशीज का लिखा हुआ है। इन सीटू का भाई नेचुरल होम, जहां है ना वहीं पे उसको पालो। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वहीं पे पालो। लेकिन एक्सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? उसको वहां से ले जाओ क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है, तो इसको एक्सीटू बोलते हैं। मतलब वहां से उठा के हम कहीं ले जा रहे हैं। सीड बैंक, जू, बोटेनिकल गार्डन, ये सब एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब तो एग्जाम्पल, इवन सैक्रेड ग्रोव्स। बोटेनिकल गार्डन नहीं है, बोटेनिकल गार्डन क्या है, किसका एग्जाम्पल है? बोटेनिकल गार्डन एक्स सी टू का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट, यूवी रे जाती है सनलाइट से, कैन कॉजेज द रिएक्शन डेट प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल आपसे पूछना चाह रहा था, थोड़ा सिंपल आपसे पूछना चाह रहा था, यूवी रे जब आती है सन से तो किस लेयर से या किससे रिएक्शन करती है? तो हमें पता है ओजोन लेयर से रिएक्शन करती है। कहाँ पे ओजोन लेयर मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पे है? सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर। जो भी अधिकतर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वेदर क्लाइमेट का चीज़ होता है, सारा ट्रोपोस्फीयर पे होता है। मेजोस्फीयर सबसे ठंडा है, लेयर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो थी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? देखो, एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, कोशिश देखो। सबसे पहले देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, कर्नाटका में करेक्ट है, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो आसाम में बहुत बहुत फेमस है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मनास नेशनल पार्क, दोनों है वह तो, लेकिन है तो आसाम में ही। पेरियार, तो पेरियार तो नाम है, मैं पता, केरला। सिंपली फाल नेशनल पार्क, अब देखो सिंपली फाल नेशनल पार्क कहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है उड़ीसा में, तो उस सिंपली फाल, भितरकनिका, ये सब उड़ीसा में है।
सुंदरबन तो मैं पता ही कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश गलत है, यहाँ पे उड़ीसा होता तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपसे पूछे तो बोलना एमपी में, ठीक है। और इवन सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व भी एमपी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मिथाइल हाइड्रेट, सॉरी मिथेन हाइड्रेट, क्लियर। मिथेन हाइड्रेट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मिथेन हाइड्रेट नहीं कर सकता है तभी आप ऑप्शन लगाना। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट। ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, मिथेन से, भाई मिथेन से सिंपल समझो, मिथेन से जब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं हो सकता, तो वन तो आंसर तो होगा ही होगा, तो ये गलत भी वाला। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिथेल हाइड्रेट आर फाउंड इन एरोटिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर। ये थोड़ा सा है, मतलब इसमें आप गलत हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट आर्कटिक के पास मिलता है, इवन सी बॉटम पे भी मिलता है, ये भी करेक्ट है, क्लियर। दो भी करेक्ट है, ठीक है। मिथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड ऑफ टू, मतलब ये मिथेन क्या होता है, एटमोसफेयर में रहेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है कई डिकेड में, तो तीनों के तीनों करेक्ट है, ठीक है ना। जो वाटर, द वाटर डैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, जो वाटर मतलब ड्रिंक के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छा है, उसको कौन सा वाटर बोलते हैं, ये हम सबको पता है कि क्लियर, पोटेबल वाटर। द भोपाल गैस ट्रेजरी जो 1984 में हुआ, तो उसमें किस गैस का लीकेज हुआ था ये आपको बताना है। भोपाल में गैस ट्रेजरी हुआ था 1984 में, तो इसमें कौन से गैस का रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है ना। इसमें भोपाल डिजास्टर ही बोलते हैं, 1984 में हुआ था, कहाँ पे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये भोपाल में है, मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था। नेक्स्ट देखो, 41 तक हो गया, नहीं, 41 इसमें बता रहा है कि देखो कौन सा इसमें से गैस रिलीज होता है एटमोसफेयर में ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप्स और बायोमास रेसिड्यू। भाई देखो सब हम देखो, ऐसा कभी होता है कि कुछ ही गैस रिलीज होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑल ही लगाना, मतलब अगर कोई ऐसा बिल्कुल आपको लगे कि नहीं ये तो नहीं रिलीज होगा तभी लगाना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आराम से रिलीज होगा, ओजोन, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब तो रिलीज होगा ना, तो ऑल। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है हमें पता है, ऑब्वियसली हमें CO2, CH4, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, ताजमहल येलो जो दिखता है वो किसके कारण होता है, किस गैस के कारण होता है, ये आपको बताना है। ये है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है ना। और ताजमहल के बारे में हम थोड़ा सा, और एक और इंसेक्ट जो होता है ना उसके कारण भी थोड़ा थोड़ा इससे प्रॉब्लम होती है, और इंसेक्ट आपको पता है यमुना रिवर में मिलता है, यमुना रिवर को एक्चुअली बायोलॉजिकल डिजास्टर कहा गया है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। तो ताजमहल के बारे में थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, ये एक्चुअली व्हाइट मार्बल से बना है, शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल के मेमोरी में, और रिवर यमुना के बगल में है, और 17 साल इसको बनाने में लगे थे, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, ये 7 वंडर्स में एक है, ठीक है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए स्मार्ट सिटी हैव बिकम द इंडियाज पहली सिटी बना था, जिस जो 100% और रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं डे टाइम में, इसमें से कौन है। भाई ये बहुत न्यूज में था, तो ये न्यूज वाला ही ऑप्शन है, दीव है ये, न्यूज पे ही है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो 100% सोलर पावर हेल्थ सेंटर है, 100% सोलर पावर हेल्थ सेंटर, ये कौन सा है बताना है आपको, ये है सूरत। तो ये दोनों बिल्कुल करेंट अफेयर्स का है, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स में पूछा गया।
ठीक है, तो यहीं तक हम रहने देते हैं, आगे से 45 के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग को पता है कोर्स कैसा है, तो अब आप लोग शेयर कर सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो इस कोर्स के बारे में और उनसे ज्वाइन करवा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सो मच। क्लियर? आप कोई भी नंबर इस नंबर पे मैसेज कर, 9582। चलिए, थैंक यू सो मच।